अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मासिस्ट लाइव। तो आज 30 दिसंबर है और मौसम यहाँ बहुत अच्छा है और मैं अभी अपने ड्यूटी पे जा रही हूँ सुबह सुबह। उसके साथ ही रमज़ान चल रहा है तो थोड़ा देर से वेर हो जाती है। चलते हैं बाहर, फिर अपने अपने कामों पे लगते हैं। देखते रहिए साथ। सब कुछ यहाँ पे खुल गया है। रमज़ान में थोड़ा लेट खुलता है लेकिन खुल जाता है, और अफ्तारी से पहले थी अभी तक बंद हो जाता है, पर अब यहाँ सब खुल गया और मैं जेल रोड वाली साइड पे आ चुकी हूँ। देखें मिनट, मैं आपको दिखाती हूँ अभी जेल रोड। वेट, सब खुल चुका है और मैं जेल रोड पे हूँ। इस टाइम जा रही हूँ मैं स्पीडो के स्टॉप पे, क्योंकि लाहौर में जो है वो आप अगर ट्रैवल करते हैं तो आपको प्रेफर करना चाहिए कि आप लोकल ट्रैवल करें स्पीडो के साथ या फिर जो लोकल वैन्स चलती हैं। ये रास्ते में है आप एक मार्केट करती है और जो है जिससे ये इसमें जाती हूँ मैं जी। तो ऑफिस से मैं आ गई थी वापस। कुछ खास शूट नहीं हो सका क्योंकि मसरूफियत बहुत ज़्यादा होती हैं। तो अभी मैं वापस हॉस्टल आ चुकी हूँ अपने, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि ईद आने वाली है और ईद के लिए मुझे घर जाना है। सारी शॉपिंग वगैरह करने चली गई थी मैं दरमियान में, एक दो दिन शूट नहीं किया मैंने, सिर्फ वही एक बस जो वीडियो मैंने एक शूट की थी कि मैं ऑफिस जा रही हूँ, बस वही एक शूट हुई, उसके बाद शूट नहीं हो सका। लेकिन अब जो है वो मैंने दोबारा से अभी शूटिंग के लिए फ़ोन उठाया है, अभी कैमरा उठाया है। देखो कुछ शूट हो पाता है कि नहीं हो पाता। खैर मैं इस दरमियान में शॉपिंग करने चले गई, मैं पैक्चिस मॉल चले गई थी, वहाँ से अपने लिए कुछ चीज़ें वगैरह ख़रीदी, उसके अलावा छोटी मोटी और चीज़ें ख़रीदी। मैं दो भाई हैं मेरे जिनकी फरमाइश जो होती है वो तो फिर आपको पता है कि पूरी करनी पड़ती है छोटों की, तो उनकी फरमाइश पर उनके लिए स्टड वगैरह ख़रीदे। और अब ईद आने वाली है तो उसके मैं पैकिंग करूँगी, लेकिन पैकिंग से पहले मैं पीऊँगी चाय, क्योंकि 2 दिन हो गए हैं मैंने चाय नहीं पी हुई और इस टाइम मेरा दिमाग जो है वो फुल बंद हुआ पड़ा है। मैंने पैकिंग भी करनी है और मैंने बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो पहले चाय बहुत ज़रूरी है, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी अपनी शॉपिंग, और शॉपिंग के बाद जनाब हम करेंगे पैकिंग, लेकिन पहले हम पियेंगे चाय। तो जाती हूँ मैं दूध लेने के लिए, फिर हम चाय बनाएंगे और फिर मैं चाय पीऊँगी और उसके बाद हम बाकी की बात करते हैं। जी मैं जा रही हूँ जनाब दूध लेने के लिए। हाँ बैकग्राउंड इग्नोर करिएगा, और सफाई तो खैर होती है हमारे हॉस्टल में, तो अभी दूध लेकर आते हैं। देखें जी मिल गया दूध, मिल्क पैक नहीं लिया क्योंकि अब घर चले जाना है, तो उसके बाद फ़ायदा ही कोई नहीं है। एक कप चाय मैंने बनानी है, उसके 2 कप बनते हैं, तो बाकी का दूध जो है वो ज़ाया हो जाएगा, और मेरा मज़ीद जो है वो कोई इरादा नहीं है इस टाइम। अब हम निकाल लेंगे मतलब कप लेंगे, ये कुछ हॉस्टल का कुछ ज़रूरी सामान वगैरह पड़ा हुआ है, कप उठाएंगे जो कि गंदा है, और चीनी पत्ती सॉस पैन, और फिर चलते हैं किचन में। चलो मिलते हैं। ये घी डाल दिया है इसमें 1 कप पानी, और फिर इसमें डालेगा ये दूध। तो फाइनली रख दिया मैंने चाय बनने के लिए। एवरी डे जो है ना इसका एक फ़ायदा ये बहुत होता है कि इसकी ना चाय बड़ी जल्दी बन जाती है, मतलब दूध को पकाना ही नहीं पड़ता क्योंकि ये तो एक्टिव वाइटनर है ना, पर एक सिंगल पर्सन के लिए ये बहुत अच्छा है। आप सिंगल पर्सन आए फ़ौरन इंस्टेंट आप अपनी चाय बनाएं और आप चाय पी लें। तो बन गई है मेरी चाय और मैं कर रही हूँ अब चाय इंजॉय। तो चाय पीने के बाद मिलते हैं, फिर मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाऊंगी और भी बहुत सारी पैकिंग करनी है, बहुत सारे काम हैं। तो अभी फ़िलहाल चाय ब्रेक, फिर चाय के बाद आपसे मुलाकात होती है। हाँ जी तो चाय पी गई है और अब मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ।
जो कि इतनी मेहनत के बाद बारह बारह एक एक पेज तक जाके की गई है वो दिखाती हूँ। और साथ रहिए, देखते रहिए। ये देखें जी, ये कुछ शॉपिंग मैंने अपने लिए की है, कुछ मैंने अपने घर वालों के लिए की है, तो मैं आपको ये साथ साथ दिखाती हूँ, बस ऐसे ही दिखाती हूँ। ये है शूज़ जो कि मैंने लिया है अपने लिए ईद का, और ये मेरी सिस्टर का है क्योंकि उसको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने कहा, सोचा कि मैं ही इसके लिए कुछ ले लेती हूँ क्योंकि ईद का जोड़ा तो आ गया, मैं सबके बस शूज़ ही हैं मेरे, ये निकल नहीं रहा, निकल आया शुक्र है। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ओहो, ये मजीद रैप है, ये वाला शूज़ है। और अलकरम पे बहुत अच्छी जो थी वो सेल लगी हुई थी, तो मैंने लगे हाथ अलकरम से अपने लिए दो जोड़े ले लिए, आल दो वो ईद के जोड़े नहीं हैं, बस मतलब के बस दूसरे या तीसरे दिन पहन लूँगी, या वैसे भी गर्मियाँ आ रही हैं तब पहन लूँगी। एक ये शर्ट थी, ये टू पीस था जो कि मुझे बहुत पसंद आया अलकरम पे, आफ्टर ऑफ पे ये मुझे कितने का पड़ा है, कितने का पड़ा ये मुझे आफ्टर ऑफ, ये मुझे आफ्टर ऑफ पड़ा है कोई 3,000 कुछ का, टू पीस है एम्ब्रॉयडरी में। और एक ये थ्री पीस है, ठीक है जी, ये है थ्री पीस। मैंने कभी आज तक येलो कलर नहीं पहना, और मैं फर्स्ट टाइम जो है वो अपने लिए लाइट येलो कलर लिया क्योंकि ये ड्रेस बहुत ही अट्रैक्टिव था और मुझे बहुत प्यारा लगा था इसका प्रिंट, तो जब मैं पहनूंगी तो मैं इसका फोटो जो है व्लॉग इसमें बनाऊंगी और मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। और ये है इसका दुपट्टा, तो ये थी। और मैंने, हाँ, इसके अलावा मैंने ज़ेलबरी, तो मेरा फेवरेट तरीन ब्रांड है ना, ज़ेलबरी तो मैं लाजमी जाती हूँ जब भी जाऊँ, तो वहाँ से फिर मैंने जो अकरम से सूट लिया था ड्रेस अपना, उसके लिए मैंने ट्राउज़र मैच किया, और साथ में लगे हाथ मुझे एक ड्रेस बहुत पसंद आया अपनी मदर के लिए, तो वो मैंने ले लिया। ज़ेलबरी की जो प्राइसेस होती है ना वो बहुत रियल होती हैं, रियल प्राइसेस होती हैं इनकी, ये मैंने अपनी मदर के लिए ले लिया। लेकिन फिर साथ ये हुआ कि आज सुबह फरमाइश आ गई जनाब मेरे भाइयों की दोपहर टाइम कि आप जो हैं हमारे लिए स्टड ले रहे हैं, तो फिर उनके लिए मैंने ये स्टड जो हैं ये लिए हैं। एक मिनट, एक हाथ में मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है और मैं इसको खोलने की कोशिश कर रही हूँ, चलें एक ही बस खोल लेते हैं, फिर बाकी जो है वो मैं आपको दोबारा दिखा दूँगी। ये और ये मैंने उनके लिए लिए स्टड्स, ठीक है। तो ये थी जनाब मेरी, ये भी एक 500 रुपये का पड़ा है, और ये थी जनाब मेरी सारी फ़िलहाल तक की शॉपिंग, और भी है लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास यही चीज़ें हैं क्योंकि बाकी कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं पैक कर चुकी हूँ, कुछ अभी करने लगी हूँ, इसलिए सारी शॉपिंग निकाल के रखी है। और चलें भाई अब पैकिंग की तरफ जाते हैं, तो बहुत मैस होने वाला है, पैकिंग शुरू करते हैं। ये सारा सामान जो है मैंने निकाल लिया है, और अब समझ नहीं आ रही कि इसको मैंने रखना कहाँ पे है क्योंकि ये सिर्फ़ एक बैग है मेरे पास इस टाइम, और जो कि आधा भर चुका है, और सामान बहुत ज़्यादा है, इधर भी है और भी पड़ा हुआ है सामने, पर अब समझ नहीं आ रही इसे कहाँ रखना है। चलें कोशिश करते हैं इसको रखने की।
बस सो गई है, लेकिन अभी भी बहुत सारी पैकिंग पड़ी हुई है और एक बैग भर चुका है। और ये देखें, मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखें, और ये सारा सामान अभी पैक होने वाला पड़ा है और अब मुझे समझ नहीं आ रही क्या करूँ। जी, तो पैकिंग हो गई है कंप्लीट, पैकिंग भी हो गई, शॉपिंग भी सारी ऑलमोस्ट रखी गई है। अब लेकर कैसे जाना है ये नहीं मुझे पता, बस सब कुछ पैक कर दिया है मैंने। कोई तीन चार मेरे वो बन गया सामान में, एक बैग है और दो तीन शॉपिंग बैग्स, और जाना भी मैंने ट्रेन से है, तो मैं आपको आगे अपना ट्रेन का सफ़र भी सारा दिखाऊंगी। हाँ, शूट मैं सिर्फ इतना ही कर सकती हूँ कि मैं मतलब आवाज़ ही नहीं आती है क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा होता है ट्रेन का अपना, तो बस थोड़ा बहुत मैं आपको ट्रेन का भी दिखाऊंगी कि मैं कैसे जाती हूँ घर, और ट्रेन का सफ़र ज़्यादातर फिजेबल होता है। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और इस व्लॉग को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और फार्मासिस्ट लाइफ चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली अपडेट जो है वो पता चलती रहे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग्स में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।